हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, अगर आप खास तौर पर SOL से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि SOL के जो असाइनमेंट्स हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं, तो बहुत जल्द आपको वो कंप्लीट करके सबमिट करने पड़ेंगे। तो आपको SOLs के असाइनमेंट्स के बनाने के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे मेरी वीडियोज़, आप इसको एंड तक देखते रहिए, और मेरी अपकमिंग वीडियोज़ भी SOL के असाइनमेंट से ही रिलेटेड होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है आपको, अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं SOL का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों के अक्सर दिमाग में सबसे पहले आता है कि वो क्या करेंगे, गूगल खोलेंगे, विकिपीडिया को पकड़ेंगे, सीधे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये गलती ना कीजिएगा आप लोग, क्योंकि सिर्फ आपके दिमाग में नहीं, आपके जैसे लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये सेम आइडिया होता है, और यूनिवर्सिटी वाले पागल नहीं है दोस्तों, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, और जब वो देखते हैं कि एक से ज़्यादा काफ़ी सारे ढेरों असाइनमेंट्स उनके पास ऐसे आते हैं जिसमें कॉपी पेस्ट एक ही लैंग्वेज होती है, तो काफ़ी ज़्यादा समझ जाते हैं। तो या तो वो मे भी आपको देख के पास कर दे या ना पास करे, लेकिन अच्छे मार्क्स तो आपके वो लोग नहीं देंगे अगर आप कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी है कि भले आप लोग गूगल से पढ़े, विकिपीडिया से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, या किसी बुक से पढ़े, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको असाइनमेंट में बनाने में मदद करेगी कि जो आप असाइनमेंट में पुट करते हो जो लैंग्वेज, वो आपकी खुद की होनी चाहिए। ठीक है, तो आप वो कैसे करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो आपके लिए। शुरू करते हैं दोस्तों, आज का वीडियो में टॉपिक है हमारा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो क्या होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसकी फॉर्म्स होती हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, ये सब हम पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड तो डेमोक्रेसी एक्चुअली है क्या, सबसे पहले कि डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी दोस्तों बात करें तो ग्रीक वर्ड से निकल के बना है, दो वर्ड्स थे एक्चुअली, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटोस का मतलब होता है रूल। तो डेमोस और क्रेटोस, तो डेमोक्रेसी से आप क्या समझ सकते हैं कि बेसिकली इट्स द रूल ऑफ द पीपल, एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा ऑर्डर जहां पर लोगों का राज हो। इसकी शुरुआत कहां से हुई, स्टार्टेड इन द मिडिल ऑफ 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई, खासतौर पर मध्यकालीन जो मिडिल ऑफ द 5th सेंचुरी था। और कहां पे देखी गई, सबसे पहले ग्रीक सिटीज की, ग्रीक के कुछ शहरों के अंदर इस डेमोक्रेसी को देखा गया। ठीक है, आगे बात करें तो है क्या डेमोक्रेसी, एक्चुअली इज अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, एक राजनीतिक व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है जो किसी भी समाज को या किसी देश को रन करने के आपको काम आती है। और है क्या इस व्यवस्था के अंदर, है क्या सिस्टम के अंदर, इस पॉलिटिकल ऑर्डर का जो सिस्टम है इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एक्चुअली जो सिटीजन्स होते हैं एक्सरसाइज देयर पावर्स डायरेक्टली और रिप्रेजेंटेटिव्स, और इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स अमंग देमसेल्व्स टू फॉर्म अ गवर्निंग बॉडी मेनली नोन एज द पार्लियामेंट। इस सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, सिस्टम के अंदर लोग या तो खुद फैसले लेते हैं अपने रिगार्डिंग जो भी उनके डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, या तो वो खुद फैसले लेते हैं या फिर अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, अपने लोगों में से किन्हीं लोगों को वो अपने रिप्रेजेंटेटिव या फिर अपने नेता के तौर पर चुन लेते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स एक अपनी बॉडी बना लेते हैं जिसको हम अक्सर अलग अलग देशों में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। और वो पार्लियामेंट क्या करती है, भारत के लिए, किसी भी देश के लिए, समाज से रिलेटेड या सिटीजन से रिलेटेड कोई भी नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है। तो इस टॉपिक में इतना, आगे बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन की, कि एक्चुअल में अगर आपसे पूछा है कि डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी, तो वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन हैं अलग अलग थिंकर्स और अलग अलग फिलोसफर्स की, लेकिन एक सबसे कॉमन डेफिनेशन जो आपने अक्सर सुनी होगी वो डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। काफ़ी ज़्यादा फेमस है डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, और किसके द्वारा दी गई ये डेफिनेशन, अब्राहम लिंकन, US के फेमस प्रेसिडेंट थे, तो उनके द्वारा दी गई ये डेफिनेशन है। क्या इसका मतलब, ऑफ द पीपल मतलब एक ऐसी सरकार जो लोगों में से ही हो, मतलब जो सरकार के जो लोग हैं वो पीपल से ही इलेक्टेड हो। दूसरा बाय द पीपल, बाय द पीपल का मतलब लोग ही उनको चुने। और तीसरा फॉर द पीपल, और जो सरकार चुनी हुई हो वो किसके लिए काम करे, लोगों के लिए ही काम करे। तो एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की जो अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है। और थोड़ी सी इसको डिटेल में, इसके सिग्निफिकेंस, इसके फायदे की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, डिस्पर्स द पावर एंड रिड्यूस द डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि वो पावर्स को डिस्पर्स कर देती है, कि मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर देती है। जो पावर है, जो सत्ता है, उसको अलग अलग पार्ट्स में विभाजित कर देती है, अलग अलग पार्ट्स में बांट देती है। तो इस तरीके से क्या करते हैं वो लोग, इस तरीके से जो डेमोक्रेसी का फीचर है वो पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप की फॉर्म होने से रोकता है। क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में जो सारी पावर्स है वो एक ही के हाथ में केंद्रित होती हैं, और जब सारी पावर्स एक ही के हाथ में केंद्रित होती है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं, क्या चांसेस है कि आपको जो है कि जो इंसान है या जो बॉडी है वो तनाशाही रूप से काम करे। लेकिन डेमोक्रेसी की खासियत यही है कि जो पावर को
एक ही जगह सेंटर नहीं करती, वो अलग अलग पार्ट्स में बांट देती है। और क्या कहती है, सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि इट एंश्योर द इक्वालिटी एंड लिबर्टी टू ऑल द पीपल। डेमोक्रेसी जो है पूरी तरीके से हर एक प्रकार के लोगों को देश के एक तो इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, दूसरा लिबर्टी प्रोवाइड करती है, जो कि अक्सर दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता। जैसे कि हम बात करें कहीं पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ पर राजतंत्र है तो राजा के हाथ में ज़्यादा पावर्स होंगी, उसको ज़्यादा लिबर्टी होगी एज कम्पेयर टू द कॉमन पीपल, लेकिन ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, कॉमन पीपल से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक हर एक के पास इक्वल लिबर्टी होंगी और इक्वल पूरी तरीके समान तौर पर सारे अधिकार होंगे उसके। तो ये सबसे बड़ा फायदा है डेमोक्रेसी का। आई होप आपको डेफिनेशन तो डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे टॉपिक की इसके। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की। तो अब तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, होप आपको समझ आ गया होगा कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है, इसका उसके फायदे क्या हैं, या उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे आप समझा सकते हो डेमोक्रेसी को। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, मेन टॉपिक है हमारा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ये क्या है, इसकी बात करें तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी दोस्तों एक तरीके से डेमोक्रेसी का एक पार्ट है और एक मॉडल है डेमोक्रेसी का। वो क्या कहता है, ये जो मॉडल है डेमोक्रेसी का आपको समझाता है कि इसके अंदर मेन कंसर्न, मेन जो सिद्धांत है, मेन प्रिंसिपल किस चीज़ का होता है, इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बेसिकली डील्स विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द सिटीजन्स इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। आप क्या समझ सकते हो आसान भाषा में, पार्टिसिपेटरी पार्टिसिपेशन से बना है। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि आप सहभागी होना, किसी चीज़ में भाग लेना, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना। तो यहाँ पर भी ये मतलब है एक ऐसी डेमोक्रेसी जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट करते हो। डेमोक्रेसी का एक ऐसा मॉडल, लोकतंत्र का एक ऐसा मॉडल जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर लोग पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन करते हैं। किस चीज़ के अंदर पार्टिसिपेशन करते हैं, सरकार के कामकाज के अंदर। तो लिखा भी है कि इट मॉडल रिगार्ड्स द पीपल्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज द बेसिक प्रिंसिपल, मतलब जो उसका बेसिक और जो मूलभूत सिद्धांत क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल एंड द ग्रुप्स इन द गवर्नमेंट प्रोसेस। सरकार के प्रोसेस में लोगों का और उसके संगठन का, उसके ग्रुप का एक्टिव तौर पर पार्टिसिपेशन लेना। एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे कह सकते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट डिसीजंस, पॉलिसी मेकिंग दैट इफेक्ट्स द डेली लाइफ्स ऑफ द पीपल। मतलब क्या है, अब पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप सरकार के हर एक छोटे बड़े मैटर के अंदर टांग घुसेड़ने लगे, हर एक चीज के अंदर लोग इंटरफेरेंस करने लगे। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर पार्टिसिपेशन का मतलब खास तौर पर उन फैसलों के अंदर, उन डिसीजंस के अंदर जो लोगों की डेली लाइफ्स को प्रभावित करती हैं, जो लोगों की डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ की महंगाई, पेट्रोल के जो दाम बढ़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसके खिलाफ मूवमेंट्स करते हैं, इसके खिलाफ जो लोगों को अपनी राय देते हैं, सजेशन देते हैं, गुस्सा भी दिखाते कई बार। और क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट जब बढ़ता है, बेरोजगारी का रेट बढ़ता है, टैक्स स्लैब जब बढ़ जाती है, मतलब वो चीज़ें, बिजली के दाम बढ़ जाना, कुल मिला के वो चीज़ें जो लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, लोगों की लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो उन चीज़ों के अंदर क्या होना, लोगों का पार्टिसिपेशन होना, लोगों की अपनी राय देना सरकार को। और काफ़ी तरीके से हो सकती है, लाइक द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी पेट्रोल के प्राइसेस या फिर किसी भी ज़रूरती जो कमोडिटीज़ होती है, एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, उनके प्राइस जब बढ़ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अक्सर मूवमेंट करते हैं, आंदोलन करते हैं। उस आंदोलन के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, जिसके दबाव में आके सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ता है। तो ये रहा इस टॉपिक के अंदर। आगे बात करते हैं इस टॉपिक की, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की। तो दोस्तों अब बात करते हैं अलग अलग फॉर्म्स की, एग्जांपल्स की, किस फॉर्म्स में या क्या एग्जांपल्स है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को, या कैसे हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन मैंने आपको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी समझा दी, कंसेप्ट समझा दिया। अब फॉर्म्स की बात करें तो दोस्तों सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, वो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, खासतौर पर भारत की बात करें तो जो पंचायती राज की जो गवर्नमेंट होती है, वो सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का। कैसे, क्योंकि वहाँ पर लोगों का सीधे तौर पर काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट होता है पंचायत के अंदर या पंचायत के कामकाज के अंदर। तो आप क्या समझ सकते हैं कि पंचायत के अंदर कोई भी एक फैसला लेना है कि पब्लिक पार्क बनाना है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव करना है, या फिर कहीं पर एक वेल, ट्यूबवेल लगाना है, तो क्या होता है कि लोग आपस में डिस्कशन करके पंचायत तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं और अपने फेवर में फैसला ले सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहाँ पर सीधे तौर पर लोग इन्वॉल्व होते हैं अपना फैसला लेने में। ठीक है, और क्या है,
कलेक्टिव, बहुत सारे देश में क्या होता है जो टाउन हॉल्स होते हैं, जो शहरों के उनके टाउन हॉल्स होते हैं, उनके अंदर कलेक्टिव मीटिंग्स होती है, असेंबलीज होती है, जब भी सरकार कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेने वाली होती है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसके रिगार्डिंग वो टाउन हॉल्स में मीटिंग्स करते हैं अलग अलग जगह पर, जहाँ पर लोगों की राय को लिया जाता है। और हम किस फॉर्म में देख सकते हैं कि अलग अलग पब्लिक डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, इनके ऊपर नेगोशिएशंस होते हैं और मीटिंग्स भी होती हैं सरकार के साथ किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर, जो सरकार, जो लोगों की लाइफ्स को इफेक्ट करता हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि सामाजिक और राजनीतिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं सरकार के कामकाज को, तो ये मूवमेंट भी एक सबसे बड़ा जरिया हो सकते हैं किस चीज़ का, लोगों के पार्टिसिपेशन का, लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब कोई भी फैसला होता है, महंगाई के ऊपर हो या बिजली के दाम बढ़ जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों के फेवर में नहीं होती, तो क्या होते हैं, लोग मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग के बाद वो मूवमेंट्स करते हैं बहुत बड़े बड़े, और उन मूवमेंट्स के दबाव में सरकार को झुकना पड़ता है और अपना फैसला लोगों के फेवर में बदलना पड़ता है। तो ये कंसेप्ट रहा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का, ये होप आपको समझ आया हो। अब थोड़े से इसके सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि क्या क्या फायदे हैं हमें पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के। तो दोस्तों सिग्निफिकेंस की अगर बात करें कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसका स्कोप है, तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस, सबसे पहला फायदा क्या है उसका, हेल्पफुल इन द सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। लोगों को सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के थ्रू लोग क्या कर सकते हैं, जब सरकार के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि लोग वही डिसीजन लेंगे जो उनके ज़्यादा फेवर में होगा। तो इस तरीके से लोग अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, फोकस ऑन द इक्वल राइट्स। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता है और समाज के अंदर से जितने भी भेदभाव हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको एलिमिनेट करता है। आगे बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट अवेयर्स द सिटीजन्स। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का दोस्तों जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से लोगों को अवेयर करता है। क्यों, जब लोग अवेयर ही नहीं होंगे इसकी सरकार से क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या उनके अधिकार हैं, क्या सरकार से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, किन चीज़ों को सरकार से चेंज करवा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या उनके मतलब सही है उनके लिए और क्या उनके लिए गलत है, तो इसकी नॉलेज होती है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी से। अगर इसकी नॉलेज नहीं होगी तो लोग कभी भी सरकार के खिलाफ कोई भी मूवमेंट या कोई भी उम्मीदें नहीं कर सकते। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्या करता है, लोगों को अवेयर बनाता है। अवेयर इसीलिए बनाता है ताकि लोग सरकार के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। अगर आप अवेयर ही नहीं होंगे तो सरकार के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो किस बात में अवेयर करते हैं, उनके अधिकारों के लिए और क्या क्या उनकी उम्मीदें हैं सरकार से, उस चीज़ को लेकर लोगों को अवेयर करता है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स विद कलेक्टिव एक्शंस। लोगों की जो सिंपल सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे लाइफ की, लोग उनको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के थ्रू आराम से आपस में कलेक्टिव डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी दोस्तों आज की हमारी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगी आपके असाइनमेंट बनाने में। जो जो मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स बताए हैं, उन बुलेट पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो आपको 500 वर्ड्स की जो आपका असाइनमेंट है वो पूरा हो सकता है। तो दोस्तों अगर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हो कि कोई आपका पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे मैं असाइनमेंट का, जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो वीडियो इतनी ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।